गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मी मुख्तलिफ फ्रेंड की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं पहुँच चुकी थी नौशेर जूं, जो कि लाजपत नगर में है। इट्स टेस्ट अबाउट आपका अगवानी और अकबेसिस्तान का आपका टेस्ट मिलेगा। तो चलिए रेडी होते हैं और फटाफट निकलते हैं। और इसकी रील आपने इंस्टाग्राम पर देखी ली होगी, गेट रेडी विद मी वाली। तो जाइए और चेकआउट कीजिए, और जब तक मैं रेडी होती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। और नए नए शूज़ निकाले मैंने आज, वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बिल्कुल बप्पी लहरी बन के जा रही थी, सॉरी टू से, बट मैं बप्पी लहरी आज लग रही थी। सो यस, हम रेडी हो चुके हैं और हम निकल पहुँच चुके थे लाजपत नगर। बहुत ज़्यादा रश था और हमें जाना था यहाँ पर। एक तो मज़ार रेस्टोरेंट है और एक नौशेर में। तो मज़ार में ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन उसकी वीडियो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फिर ट्राई करेंगे। आज हम आए थे स्पेशली नौशेर के लिए। सो यस, हम पहुँच चुके हैं। सो फाइनली हम आ चुके थे नौशेर जूं, लेकिन यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई। हमने प्री बुकिंग नहीं की थी टेबल की, तो इस वजह से हमें जगह नहीं मिली। तो और हमें वेटिंग में मिला, और वेटिंग इतना था कि मैं आपको कह देता हूँ 1.5 मतलब 1.5 घंटे का वेटिंग था। और ये लिखा हुआ है उर्दू में नौशेर जूं, एम्बियंस एंड टेस्ट वॉज गुड, बहुत ही अच्छा था, मुझे पसंद आया। सो आप लोग जब भी आए प्लीज़ बुक करके आए टेबल, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश होता है, भीड़ होती है और आपको जगह नहीं मिलती। हमें 1 घंटे के वेटिंग के बाद हमें यहाँ पे जगह मिली। सो यहाँ पे ये आ गया था हमारा मेन्यू, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ड्रिंक से लेकर डेजर्ट, डेजर्ट से लेकर मेन कोर्स, और मेन कोर्स से लेकर आपका प्लेटर। इनका प्लेटर्स बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही वैरायटीज़ होते हैं। आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हम उन्हें जगह तो मिल गई है, लेकिन अब खाने का वेट हो रहा है। 1 घंटे की जगह के लिए हमने वेट किया, उसके बाद अब 1 घंटा हम खाने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या इसमें क्या क्या है हमारा?
सो यहाँ पे प्लेटर ट्राई करी थी और ये इनकी रोटी थी जो कि मतलब नान जिसे कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, सॉफ्ट थी, बट इसको तोड़ने के लिए आरी की ज़रूरत पड़ी थी, जैसे कि किसी मूवी में था, आई डोंट नो कौन सी मूवी थी वो, राजपाल यादव की, उन्होंने कहा था रोटी के लिए आपको आरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन सी मूवी थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी द प्लेटर वॉज गुड और इसमें सारे तरीके के कबाब थे, मतलब सारे तरीके के कबाब थे, चिकन कबाब से लेकर टिक्का लेकर सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और सबसे छोटा प्लेटर मैं ये कह सकती हूँ, और यही था और इसमें भी बच गया था, मतलब हम दो लोग थे और दो लोगों के लिए ये प्लेटर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं तो आपको जानती हूँ मैं कितना ही खाती हूँ, बट ये था कि मैं कबाब बहुत शौक से खाती हूँ, कबाब मेरे फेवरेट हैं, तो बस इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, और अमेजिंग रहा एक्सपीरियंस। बाकी आप वीडियो में लास्ट में देखेंगे कि क्या कैसा रहा, आखिरी वीडियो रिव्यूज़ आपको लास्ट में मिलेंगे। बट ये बजट फ्रेंडली तो नहीं कह सकती, बट हाँ टेस्ट वॉज वर्थ, अगर आप प्राइस दे रहे हो तो आपको टेस्ट मिल रहा है, ये इस टाइप का है और अमेजिंग टेस्ट विद बजट आपको मिल रहा है, अमेजिंग था। और हमारा फूड ये फॉर टू पीपल्स, इट्स 1500 रुपीज़ अराउंड था हमारा। यस फाइनली वी आर गोइंग बैक और यहाँ पे रास्ते वगैरह बंद हो चुके हैं, बिल्कुल टाइमिंग अप हो चुके हैं, यहाँ पे 9:30 के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। सो फाइनली हम घर जा रहे हैं और यहाँ पे मज़ार के पास इतनी भीड़ लगी हुई थी, उसके बाद जामिया ओखला में घुसते ही यहाँ पे पूरा तो ट्रैफिक जाम था, जामिया कॉलेज से लेकर पूरा तिकोना पार्क ओखला एक सब कुछ ब्लॉक था, तो देखिए इस वजह से, क्योंकि ये बस भैया टर्न कर रही थी, तो बस इसको चीरते फाड़ते हम घर तक पहुँचे बड़ी मुश्किलों में। उसके बाद हम रुके तिकोना पार्क पे, तिकोना पार्क पे हमने लिए आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम तो बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे बच्चे ज़िद कर रहे थे तो हमने लिए आइसक्रीम। तो चलिए कर चलते हैं घर, और उसके बाद आपसे बात करें। जाम बहुत ही ज़्यादा गंदा था यार, और मैंने नौशे जूम ठीक है वो एक्सप्लोर करा आज, वहाँ के डिफरेंट फूड और जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है वहाँ का, एज अगवानी और पर्शियन और उज़्बेकिस्तान का टेस्ट लेके आते हैं, तीनों फ्लेवर्स आपको मतलब तीनों की डिशेस आपको मिल जाएंगी। बाकी प्लेटर्स के बेसिस पे वो होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर प्लेटर्स होते हैं, कबाब प्लेटर हो गया या और भी चीज़ होते हैं, बाकी आप कुछ भी उनसे एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं तो वो हो जाता है। और ये आज मैं बप्पी लहरी हो रही हूँ, और वी एल की मैंने पहन लिया टी शर्ट भाई की चुरा के, तो बस तो हम आ चुके हैं घर पे, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मैंने बहुत अच्छे से खाया और पैक भी करवा लिया था, पैक करके भी लाया बिकॉज ऑफ दैट, और यहाँ पे मतलब इतना आप नहीं खा सकते, 2% ऑफ पीपल्स के लिए नहीं, अगर आप गैदरिंग में जाना चाहो तो वो प्लेस ज़्यादा अच्छी है बिकॉज ऑफ दैट, वहाँ पे गैदरिंग के लिए काफ़ी अच्छा मेन्यू है, मतलब अगर 4 to 5 or 6 पीपल्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 2 पीपल्स के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बिकॉज आप इतना खा ही नहीं सकते बेसिकली, अगर आप चाहो अलग अलग से मंगा के भी खाओगे तब भी आप फिनिश नहीं कर पाओगे वो उनकी जो प्लेट्स प्लेटर्स है वो, और प्लेटर्स ही हैं बेसिकली, सिंगल सिंगल बहुत मिनिमम होता है, आप पुलाव का भी पुलाव समथिंग लाइक दैट वो लोगे तो वो ठीक रहेगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं। और फिर हम घर आ चुके हैं, और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मोस्टली इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं कि उस रेस्टोरेंट के लिए, पहले तो अगर आप चाहो तो अगर आप फैमिली या गैदरिंग के साथ जा रहे हो और आपका पहले से प्लान है डिनर का, तो आप सबसे पहले आप टेबल वगैरह बुक करा लीजिए, तो वो ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है आपको टेबल, हमें आज 1 घंटे से 1.5 घंटे में हमें सिर्फ टेबल मिली, और वो भी वहाँ वेट करने के बाद, अगर हम इधर उधर हो जाते या कहीं और जाके वापस आते तो मुझे टेबल वो नहीं मिलती, हमें वहाँ बैठना पड़ा, तो इसलिए तब जाके हमें वहाँ पे मिली। उसके बाद आपका आ जाता है सुंदर, आज मैं बप्पी लहरी बनी हुई थी लाइक दैट, और क्या, हाँ,
और फूड के लिए भी आपको लाइक 15 to 20 minutes वेट करना पड़ेगा, फिर आपको फूड मिलेगा वहाँ पे। मतलब ओवरऑल अच्छा है, टेस्ट वॉज गुड, आप जाके ट्राई कर सकते हैं फैमिली के साथ, बट फैमिली के साथ, अगर अकेले का वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, और फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे विजिट करें। और बहुत ही अच्छा मेन्यू है उनका, रीजनेबल तो नहीं कह सकते बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट बहुत सही है वहाँ पे। आपको बहुत सारी और भी डिशेस, खीर वगैरह डेजर्ट में भी मिल जाएगा, और बहुत सारी अलग अलग वहाँ की ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये तो छोटा सा व्लॉग था, हम निकले, हमने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं, और हम पहुंच गए नौशेजू वहाँ पे। हम वैसे बेसिकली टहलते टहलते कहते मैं, हम मींस मैं, दैट्स नो अदर वन, हम मैं यूज़ करती हूँ अपने लिए, तो गलत नहीं समझिएगा, ठीक है। सो हम पहुँच गए थे टहलते टहलते मैं वहाँ पे, तो फिर हमने सोचा चलो डिनर कर लेते हैं, और फिर डिनर करने के लिए हम वहाँ पे वेट करना पड़ा, और जो कि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। सो बस इतना ही था इस ब्लॉग में, आई होप आपको पसंद आएगा तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और दिस इज मी, आपकी वक्त तलब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।